अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज के इस ऑनलाइन सेशन में हम एक इस्लामिक स्टडीज 2058 ओ लेवल्स के एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट पे बात करने जा रहे हैं। जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में देखा कि इस्लामिक स्टडीज P1 में क्वेश्चन नंबर 1, चाहे वो पेपर 1 है चाहे वो पेपर 2, इन दोनों में क्वेश्चन नंबर 1 के नाम से हमें एक कंपल्सरी क्वेश्चन किया जाता है फॉर 8 मार्क्स। आज हम बेसिकली उस 8 मार्क्स के क्वेश्चन के हवाले से अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करेंगे और इसके साथ साथ इसको आंसर करने का प्रॉपर वे सीखेंगे कि कैसे एक 8 मार्क्स के क्वेश्चन को कैम्ब्रिज एग्जामिनेशन सिस्टम के थ्रू प्रॉपरली आंसर किया जाए टू अटेन द बेस्ट रिजल्ट फ्रॉम दिस क्वेश्चन। तो जैसा कि आपके सामने ये मॉडल पेपर मौजूद है, हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 5 क्वेश्चंस हैं। ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो इस्लामिक स्टडीज पेपर स्कीम में बहुत अच्छे तरीके से ये चीज़ डिस्कस की थी ब्रीफली, आप उसको रेफर कर सकते हैं फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो इस वीडियो में हम कंसर्न की बात करते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 1 है। तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1, यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, इस्लामियात P1 में क्वेश्चन नंबर 1 कंपल्सरी क्वेश्चन के तौर पर दिया जाता है। इसके टोटल एलोकेटेड मार्क्स 8 हैं। इसी तरह से P2 में भी क्वेश्चन नंबर 1 एक कंपल्सरी क्वेश्चन है जिसके मार्क्स ऑलमोस्ट 8 हैं लाइक पेपर 1। तो इस क्वेश्चन को बेसिकली देखते हैं अपने पार्ट ए में कि क्या ये क्वेश्चन होता है, इसके डिफरेंट स्टेप्स क्या होते हैं, ये क्वेश्चन बेसिकली किस लिए डिज़ाइन किया जाता है, कहाँ से डिज़ाइन किया जाता है और किस तरह से इसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हमें इस्लामियात 2058 में अच्छे ग्रेड्स एलोकेट कर सकती है, उस पर बात करते हैं इस वीडियो के बी पार्ट में। तो ए पार्ट का आगाज करते हैं जी, बेसिकली फ्रॉम द मॉडल ऑफ इस्लामिक स्टडीज P1 एंड P2 के दोनों में क्वेश्चन नंबर 1 बेसिकली 8 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। ये क्वेश्चन होता क्या है इसे देखते हैं और सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की डिस्क्रिप्शन। क्वेश्चन नंबर 1 बेसिकली P1 में 15 पैसेजेस जो आफ्टर एवरी 3 to 4 years कैम्ब्रिज रिवाइज करता रहता है, चेंज करता रहता है, कुरान के स्पेसिफिक वर्सेस हैं, उन चैप्टर्स हैं, उनके वर्सेस हैं जिनको बेसिकली एज अ पैसेज सेट करके आपको क्वेश्चन नंबर 1 में दिया जाता है। ये कुरान के 15 पैसेजेस जो हैं स्पेसिफिकली, ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 का सिलेबस होते हैं, कंटेंट लिस्ट होती है जिसको आपने गो थ्रू करना होता है क्वेश्चन नंबर 1 को आंसर करने के लिए। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 15 पैसेजेस होते हैं जी P1 में, ठीक है, और P2 में आपके पास 20 अहादीस ऑफ द होली प्रॉफिट होती हैं, आपने उनके रिगार्डिंग क्वेश्चंस को आंसर करना होता है। तो P1 में आप जैसा कि ये स्लाइड डिस्प्ले कर रही है इस रियलिटी को कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो मेजर थीम्स ऑफ कुरान होते हैं P1 में जी। 3 पैसेजेस विल बी सेट फ्रॉम द लिस्ट ऑफ 15, टोटल 15 है, 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, ये आपको डिस्प्ले स्क्रीन से भी इन्फॉर्मेशन मिल रही है अपने स्टार्ट ऑफ द सेशन में। P2 में यही क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने होता है, ऑलमोस्ट 20 पैसेजेस होते हैं, उसमें से आपके अपने तैयार करने होते हैं और 2 को आंसर करना होता है। ये 8 मार्क्स के आपके P2 में 20 अहादीस ऑफ द होली प्रॉफिट आपसे पूछी जाती हैं क्वेश्चन नंबर 1 कंपल्सरी सेक्शन में। टोटल 8 मार्क्स होते हैं जी आउट ऑफ 50, लेकिन ये 8 मार्क्स बहुत वाइटल होते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स इसमें नेगेटिव स्कोर कर रहे होते हैं। हालांकि ये सबसे ईजीएस्ट वे है इस्लामिक स्टडीज़ के रिजल्ट को बेहतर बनाने का, क्योंकि एक ऑलरेडी चीज़ आपको गिवन होती है उसमें से इंफॉर्मेशन डिड्यूस करनी होती है, तो इसमें लो चांसेस ऑफ डिडक्शन होते हैं। इसलिए अपने रिजल्ट को बेहतर करने के लिए इस्लामिक स्टडीज 2058 में क्वेश्चन नंबर 1 पे ज़रूर फोकस करें और इसके प्रैक्टिसेस के थ्रू, इसके एक्सरसाइजेस के थ्रू इस क्वेश्चन में मैक्सिमम नंबर अचीव करें ताकि आपके ओवरऑल रिजल्ट पे एक पॉजिटिव जो है वो इम्पैक्ट नजर आए इस क्वेश्चन का। तो बेसिकली जी देखते हैं यहाँ से, बेसिकली देखते हैं कि अपने एक मॉडल पेपर से कि अगर आपके सामने एक इस्लामिक स्टडीज P1 का पेपर रखा जाएगा तो क्वेश्चन नंबर 1, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने 15 पैसेजेस जो मैंने आपसे डिस्कस किए आपके अपेंडिक्स जो है कैम्ब्रिज सिलेबस का, उसमें अपेंडिक्स 1 पे ये अटैच्ड है 15 पैसेजेस, इसी में से कॉपी होते हैं डिफरेंट बुक्स में और डिफरेंट ऑथर्स जो है इसी को बेसिकली अपने नोट्स का हिस्सा बनाते हैं। ये कैम्ब्रिज कंटेंट लिस्ट में अवेलेबल होते हैं स्टूडेंट्स के लिए एज अ रेफरेंस।
तो बेसिकली आपने उस 15 पैसेजेस में से अपने क्वेश्चन नंबर वन में तीन पैसेजेस आपको दिए जाते हैं, जैसा कि अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पैसेज वन, पैसेज टू, पैसेज थ्री. पैसेज थ्री पैसेजेस आर हेयर एंड हमने क्या करना है, चूज एनी टू ऑफ द फॉलोइंग पैसेजेस फ्रॉम द कुरान. हमने इन तीनों में से एक दो तीन में से दो को सिलेक्ट करना है यहाँ से और उनके रिगार्डिंग दो किस्म के क्वेश्चंस को आंसर करना है जिनके दो चार चार नंबर हैं. टोटल 8 नंबर का ये क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने एक पैसेज को, इस पैसेज को अगर लेट्स सपोज मैं एग्जांपल के तौर पे लेता हूँ तो मैंने इस पैसेज का ये दो क्वेश्चंस का आंसर प्लेस करना है इन दिस क्वेश्चन. ठीक है, मैंने अगर ये पैसेज सेलेक्ट किया तो तब भी मुझे इन्हीं दो क्वेश्चंस का आंसर करना है फॉर 4 मार्क्स. तो बेसिकली मैंने इनमें से तीन पैसेजेस में से दो सेलेक्ट करने हैं. लेट्स सपोज जी मैं पैसेज नंबर 1 और पैसेज नंबर 2 चूज करता हूँ. यहाँ से आगे देखते हैं जी, ये पेपर की डिस्क्रिप्शन है. जैसे पेपर 2 है जी हमारे सामने, पेपर 2 में हमारे पास चार अहादीस मेंशन होती हैं. पेपर 1 में तीन पैसेजेस होते हैं आउट ऑफ 15, पेपर 2 में 20 अहादीस होती हैं टोटल, उसमें से चार आपके सामने गिवन होती हैं. जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 है जी पेपर 2 का, ये इसमें आपके सामने चार अहादीस गिवन है. इन चार में से आपने टू अहादीस को सिलेक्ट करना है. लाइक अगर मैं फॉर एग्जांपल 1 को करता हूँ और 3 को करता हूँ तो 1 और 3 के मैंने इन दोनों क्वेश्चंस को आंसर करना है. लाइक मैं 1 लेता हूँ तो मुझे पहले लिखना पड़ेगा कि ये जो है टीचिंग्स अबाउट व्हाट मुस्लिम्स बिलीव इन दिस स्पेसिफिक हदीस ऑफ द होली प्रॉफिट. फिर मैंने इसी हदीस का एक आंसर लिखना है, एक्सप्लेन हाउ मुस्लिम्स कैन पुट दीज टीचिंग्स इनटू आंसर. हमने एक हदीस को दो पार्ट में आंसर करना है, पार्ट ए और पार्ट बी. ये मैं आगे चल के बताऊंगा उसको कि कैसे आंसर करते हैं, वो भी चीज़ मैं आगे जाके डिस्कस करूंगा इस वीडियो के सेकंड पार्ट में. तो बात ये है कि अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 देखें इधर P1 या P2 में 2058 इस्लामियत के, तो दोनों में आपके पास एक 15 पैसेजेस हैं, एक 20 अहादीस हैं. पहला क्वेश्चन P1 का कुरान पैसेजेस का है, पहला क्वेश्चन अहादीस का. 20 अहादीस में से चार अहादीस हैं और मुझे दो अहादीस इनमें से सेलेक्ट करके उनके ये दो क्वेश्चन आंसर करने होते हैं. तो टोटल आपके सामने मार्क्स गिवन है 4 and 4, 8 बनते हैं इस सेक्शन के. इस क्वेश्चन के कंपल्सरी क्वेश्चन है, बहुत वाइटल क्वेश्चन है. तो हम स्टार्ट करेंगे इसके अंडरस्टैंडिंग से. बेसिकली ये मैंने आपको सारे मॉडल पेपर सामने रख दिए, आपको डिस्प्ले में नज़र आ रहे होंगे कि ये इस तरह से P1 आता है जी. इसमें ये आपके पास चार अहादीस हैं और ये P1 जो है बेसिकली ये है जी, इसमें तीन पैसेजेस हैं. इन तीन में से आपने दो सेलेक्ट करने होते हैं. आगे चल के हम इन दोनों को बेसिकली आंसर करने का तरीका भी सीखेंगे इस वीडियो के पार्ट बी में. तो शुरू करते हैं जी अपनी बात को. इस बेसिकली स्पेसिफिक पोर्शन को मैंने कैम्ब्रिज की जो बेसिकली जो डॉक्यूमेंटेशन है उधर से अगर मैं इसको कोट करूँ तो बेसिकली हाउ टू असेस क्वेश्चन नंबर 1, तो ये मैंने आपका सिलेबस लिस्ट है कैम्ब्रिज की ऑफिशियल जी. इसमें आप देख सकते हैं जी कि इसमें क्लियरली जो है वो मेंशन है पेपर 1 जो है मेजर थीम्स ऑफ द कुरान है. अब ये जो बेसिकली पैसेजेस हैं मेजर थीम्स ऑफ द होली कुरान है, ये जो है वो बेसिकली तीन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस करते हैं. अगर ये 15 पैसेजेस हैं तो आपके इन 15 पैसेजेस में तीन बेसिक आइडियाज, तीन बेसिक थीम्स हैं जो 5-5 की डिवीजन से प्लेस्ड हैं. 1-5 आपके थीम को डील करती है गॉड इन हिमसेल्फ को. 6-10 पैसेज जो है वो डील करता है गॉड्स रिलेशन विद क्रिएटेड वर्ल्ड को. 11-15 जो है वो डील करता है गॉड्स रिलेशन विद हिज प्रॉफिट्स को. तीन डिफरेंट थीम्स हैं आपकी इन 15 अहदीस में से जो बेसिकली कैम्ब्रिज आपसे पूछता है इन इस क्वेश्चन में, जो कंपल्सरी क्वेश्चन है इस्लामियत क्वेश्चन नंबर 1 है बेसिकली पेपर है. इसमें बेसिकली आप देख पा रहे होंगे अपनी डिस्प्ले स्क्रीन पे कि आपके सामने सारा क्वेश्चन मेंशन है कि दो क्वेश्चन आपने आंसर करने होते हैं पर हदीस पर इसको आपने सेलेक्ट किया. तो आप इसको ऐसे ही मेंशन करेंगे अपने एग्जाम में भी. दूसरा हम देखते हैं हदीस के बारे में, ये भी आपके सामने विजिबल है कि आपके सिलेबस के अंदर ये चीज़ मेंशन है बड़ा क्लियरली कि आपके दो थीम्स हैं इन अहादीस में. 20 अहादीस हैं, पहली 10 अहादीस जो हैं वो इंडिविजुअल कंडक्ट के बारे हैं कि एक मुसलमान जो बेसिकली अपने आप को एक मुस्लिम कंसिडर करता है उसका इंडिविजुअल, उसके पर्सनल ट्रेट्स कैसे होने चाहिए बींग अ मुस्लिम. और जो 10 से ऑनवर्ड्स हैं 20 तक ऑलमोस्ट वो लाइफ इन कम्युनिटी है कि हमारा एक मुसलमान की हैसियत से माशरे में किस तरह का रवैया होना चाहिए. ये बेसिकली 20 अहादीस हैं, इनमें से आपको चार दी जाती हैं और ये चीज़ मैंने अपने पहले सेशन में जो है वो एक्सप्लेन
कर दी और ये बेसिकली उसका प्रूफ है कैम्ब्रिज की तरफ से कि बेसिक ये स्ट्रक्चर होता है उस क्वेश्चन का जो ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो चलते हैं अपने बेसिक सेक्शन की तरफ, पार्ट बी की तरफ, जिसमें हम बेसिकली देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर वन को हमने आंसर कैसे करना होता है, कौन से इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जो क्वेश्चन नंबर वन में मैक्सिमम ग्रेड्स लेने के लिए जरूरी होते हैं और किस तरह से एक आइडियल क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर वन बनता है उसको हम आंसर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सेट क्राइटेरिया ऑफ कैम्ब्रिज एग्जामिनेशन सिस्टम फॉर इस्लामिया 2058। तो सेक्शन बी में हम देखेंगे जी कि हम कैसे इसको आंसर करेंगे, साथ साथ में इसके फॉर्मेट पे भी डिस्कशन जारी रखूंगा। तो आगाज करते हैं अपनी गुफ्तगू का जी। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये मेरे पास एक क्वेश्चन नंबर वन आ गया एंड बीइंग अ स्टूडेंट मैं इसको अटेम्प्ट करने जा रहा हूँ, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बेसिकली डेवलप करूंगा कि कैसे हमने सेक्शन वन में मैक्सिमम ग्रेड्स अचीव करने होते हैं, कैसे इसको आंसर करना होता है बेसिकली। तो ये मेरे सामने जी एक पेपर है, क्वेश्चन नंबर वन मेरे सामने है, P1 है। चूज एनी टू ऑफ द फॉलोइंग पैसेजेस फ्रॉम द कुरान। तो बीइंग अ स्टूडेंट मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं इन तीन पैसेजेस में से दो अपनी मर्जी के पैसेजेस जिसपे मेरी कमांड है मैं उनको सिलेक्ट करूंगा और उनको सिलेक्ट करने के बाद मैं अपने आंसर की तरफ जाऊंगा और सबसे पहले मैं ए को बेसिकली आंसर करूंगा इस पैसेज के और साथ में मैं बी को आंसर करूंगा इस पैसेज के। ये जहाँ पे आपको क्वेश्चन नजर आ पा रहे हैं, सबसे पहले मैं ए पार्ट लिखूंगा इस पैसेज का, फिर मैं बी पार्ट लिखूंगा इस पैसेज का। इसी तरह से मैं सेकंड पैसेज चूज करूंगा, लेट्स सपोज मैं इसको चूज कर लेता हूँ स्टूडेंट कैंडिडेट, तो मैं फिर इसका पहले ए पार्ट लिखूंगा फिर बी पार्ट लिखूंगा जी। तो देखते हैं जी, मैंने उसका एक पैसेज का लेट्स सपोज मैंने ये ले लिया और ये पैसेज जो है ब्रीफली डिस्क्राइब द मेन थीम इन ईच पैसेज, जो क्वेश्चन नंबर ए है उसको मैं आंसर करूंगा सबसे पहले इस पैसेज को कंप्लीट करने के लिए। तो ये मैंने पैसेज दिया जी, लेट्स सपोज जी मेरा ये पैसेज है, ठीक है, इसको मैंने सबसे पहले सिलेक्ट करना है बीइंग अ स्टूडेंट, मैंने ये सिलेक्ट कर लिया जी, मैं इसको बेसिकली क्वेश्चन नंबर ए को आंसर करूंगा इस स्पेसिफिक पैसेज का। तो सबसे पहले मैं देखूंगा मैंने कैसे इसको आंसर करना है। जो ऑफिशियल फॉर्मेट है क्वेश्चन नंबर वन का, उसमें पहली चीज तो ये है कि आप इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि 6 आर्ग्यूमेंट्स आपने लिखने होते हैं, मिनिमम 6 लाइंस आपने प्रेजेंट करनी होती हैं एक पार्ट में। अगर आपने पैसेज नंबर वन लिया उसके ए पार्ट में आपने 5 से 6 लाइंस एटलीस्ट मेंशन करनी है और बी पार्ट में भी उसके 5 से 6 लाइंस आपने मेंशन करनी है, 6 आर्ग्यूमेंट्स लिखने कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले चीज तो आप ये चीज देखें, मैं क्या करूंगा जी, सबसे पहले तो मैं ये अपने माइंड में सेट करूंगा कि मैं इसको पैसेज को 6 आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू आंसर करने जा रहा हूं। अब वो आर्ग्यूमेंट होने क्या चाहिए, अब हम इस पे बात करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस पार्ट के हवाले से। तो अब मैं क्या करूंगा कि 6 मैंने आर्ग्यूमेंट्स लिखने हैं इस पैसेज के ए पार्ट के अंदर, तो मैं सबसे पहले जो आइडियल रिस्पॉन्स है जिसके डियर स्टूडेंट्स आपको मैक्सिमम ग्रेड्स मिलेंगे, ठीक है, इस क्वेश्चन में आप उसका आर्ग्यू वन जो होगा लाइन नंबर वन होगी उसमें लिखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ दैट पैसेज, जैसे मैंने ये लिखा राइट आर्ग्यूमेंट वन अबाउट इंट्रोडक्शन टू दैट पैसेज, आप उसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे। लाइक जैसे मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि मैंने वो सूरा सेलेक्ट की थी तो मैंने उसका इंट्रोडक्शन क्या लिखा। सबसे पहले आप सूरा सेलेक्ट कीजिएगा, उसका ए पार्ट आंसर कीजिएगा, ए पार्ट की पहली लाइन उस सूरा के बारे में बताइएगा, उसके बाद उसका नाम, ठीक है, ये आप बताइएगा और फुल स्टॉप लगा दीजिएगा। दूसरा सेंटेंस आप शुरू कीजिएगा सर्कमस्टांसिस ऑफ रिवीलेशन से या इसके मक्की और मदनी होने के सबूत के साथ कि ये मदनी सूरा है या मक्की सूरा है। अगर ये नहीं पता तो आप एटलीस्ट इसके सर्कमस्टांसिस ऑफ रिवीलेशन लिखें कि ये जो कुरानिक स्पेसिफिक पैसेज है ये किस मौका पर नाजिल हुआ। अगर आपने ये लिख लिया सेकेंड लाइन आपकी कंप्लीट होगी। थर्ड आर्ग्यूमेंट क्या करेंगे कि आप इसके थीम के ऊपर बात करेंगे कि ये थीम अल्लाह रिलेशन विद क्रिएटेड वर्ल्ड पे बात कर रहा है, अल्लाह रिलेशनशिप विद प्रॉफिट्स पे बात कर रहा है, अल्लाह रिलेशनशिप व्हाइल ही इज गोइंग टू रिप्रेजेंट हिमसेल्फ व्हाइल ही इज गोइंग टू एक्सप्लेन हिज ओन आइडेंटिफिकेशन, या उस थीम पे बात कर रहा है। आपने थर्ड आर्गुमेंट में लिखना है कि दिस स्पेसिफिक वर्स डील्स विद द थीम व्हिच इज लाइक अल्लाह इन हिमसेल्फ, अल्लाह रिलेशन विद प्रॉफिट, और जो भी इसका थीम है आप वो मेंशन करेंगे। अगर आपको पता है कि 15 पैसेज में किस किस सूरा का क्या क्या थीम है, जैसे मैंने आपको बताया कि 1-5, 10-6-10, 10-11-15 की डिविजन्स हैं तीन थीम्स में सूरा 15 जो है आपकी। तो इसमें सबसे पहले मैंने थर्ड आर्ग्यूमेंट ये प्लेस कर दिया जी। फिर आर्ग्यूमेंट 4 मैंने क्या लिखा,
फिर मैंने इसके थोड़ी सी एलैबोरेट किया इसके थीम को कि मेरी अंडरस्टैंडिंग क्या है इस कुरान के पैसेज को पढ़ने के बाद. फोर आपकी लाइन, फोर सेंटेंस आपका इस बारे में होना चाहिए. फिफ्थ सेंटेंस आपने मेंशन करना है उसी सूरा को कॉरेस्पॉन्ड करते हुए किसी और कुरान या हदीस के रेफरेंस को. कुरान का या हदीस का रेफरेंस मस्ट होता है इसमें भी 2 out of 2 लेने के लिए या 4 out of 4 लेने के लिए. तो कुरान का मैसेज वैसे जरूर लिखिएगा, अदरवाइज 1.5 आएंगे. ठीक है, 2 लिखेंगे, रेफरेंस होगा तो 2 भी आएंगे इंशाल्लाह. तो उसमें क्या है जी, आपका फिफ्थ आर्ग्यूमेंट है जी. फिफ्थ आर्ग्यूमेंट में आपने रेफरेंस को कर दिया अपनी फिफ्थ सेंटेंस में. सिक्स्थ सेंटेंस में आप उसको एक दो लाइन अपनी एनालिसिस के ऊपर बेस करती हुई प्लेस करके उस कुरान के थीम के बारे में मेंशन करते हैं. तो आपका सिक्स आर्ग्यूमेंट बेस्ड एक स्ट्रक्चरल आंसर तैयार हो जाएगा जिसके आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे. 6 इंपॉर्टेंट स्टेप्स आपकी स्क्रीन पे भी आ रहे हैं जी. इन 6 इंपॉर्टेंट स्टेप्स के थ्रू एक पैसेज के क्वेश्चन नंबर ए को आंसर कीजिएगा. आपके इससे मैक्सिमम ग्रेड आने के सबसे ज्यादा जो है वो चांसेस क्लियरली आपके सामने एस्टेब्लिश हो जाएंगे. इसके बाद देखते हैं जी, अगर मैं ये करता हूँ तो मैं कैसे इसको आंसर करूंगा. इसी फॉर्मूला के थ्रू मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करने के लिए बता रहा हूँ जी. इस चीज़ को बहुत क्लियरली सुनिएगा, बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग अ ऑब्जर्वर, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं खुद से इसको डिमॉन्स्ट्रेट करने जा रहा हूँ आपके सामने कि मैं कैसे इस पैसेज को या इस पार्ट को आंसर करूंगा. तो मैं अगर ए पार्ट को सिलेक्ट करता हूँ और मैं इसको आंसर लिखना चाहूँगा इन 3 पैसेजेस में से, तो मैंने सबसे पहले पैसेज 1 सिलेक्ट किया. वर्स नंबर 1 जो आपके पास सामने बेसिकली अरेबिक में और उर्दू में इंग्लिश में लिखी हुई है, ये आपका वर्स नंबर 255 है, सूरह बकरा चैप्टर नंबर 2 है जी. ये आपका रेफरेंस नीचे यहाँ पे मेंशन होता है, दिस इज चैप्टर नंबर, ठीक है, एंड दिस इज लाइक योर वर्स नंबर फ्रॉम दैट चैप्टर. तो ये चैप्टर नंबर 2 सूरह बकरा है कुरान की. इसके लिए जाहिर है आपको कुरान की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है प्रॉपर, स्पेसिफिकली इन 15 पैसेजेस के हवाले से तो होना लाजमी है. तो बेसिकली वर्स नंबर 255 है इसका जी. मैंने ये सिलेक्ट कर लिया कि मैं इसका क्वेश्चन जो है वो आंसर अटेम्प्ट करूंगा ए और बी पार्ट इन दोनों का एज अ डेमोंस्ट्रेशन इन फ्रंट ऑफ यू. तो मैंने क्या किया जी, मैंने सबसे पहले इसी फार्मूला को अप्लाई किया जो मैंने आपसे रिलेट किया इससे पहले कि इस फार्मूला के थ्रू आपने इसको करना होता है. तो मैंने इसी फार्मूला को अप्लाई किया और मैंने एक आंसर लिखा जो कि आपके सामने आ रहा है पैसेज 1 का. ये मेरा आंसर क्या है जी, दिस पैसेज इज टेकन फ्रॉम सूरह बकरा चैप्टर नंबर 2 ऑफ द होली कुरान which is commonly known as Ayatul Kursi. The major focus of this passage is to establish concept of Allah in himself, to justify Allah as deity. This specific surah of the Holy Quran talks about different postulates of the Rabb. He is only, okay. Then maine kya kiya ji, you can see a red line here as well in my answer. This is basically my reference. Maine yahan pe ek reference quote kar diya. और ये 5 to 7 lines का मैंने एक ideal response लिखा जिसके अंदर मैंने अपनी उस outline को implement किया. ये मेरा आंसर आप पढ़ लें और से इस आंसर को आप देखें मैंने कैसे उस आउटलाइन में और उस स्ट्रक्चर में इंप्लीमेंट किया. ये मेरा ए पार्ट का आंसर है. ठीक है, अगली स्लाइड में हम इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ. ये देखें जी, जैसे मैंने बताया कि आर्गुमेंट नंबर 1 जो हो आपका लाइन स्टार्ट हो जो इस पैसेज का वो आप बेसिकली लिखें इसके इंट्रोडक्शन से. जैसे मैंने क्या लिखा जी, दिस पैसेज इज टेकन फ्रॉम सूरह बकरा चैप्टर नंबर 2 ऑफ द होली कुरान which is commonly known as Ayatul Kursi. ठीक है, तो इसमें आप देख पा रहे हैं सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि पहली लाइन मेरी जो है वो इंट्रोडक्शन ऑफ द पैसेज पे होनी चाहिए. ठीक है, ओके, मैंने इसके अकॉर्डिंगली लिखा जी. आगे चलते हैं, राइट आर्ग्यूमेंट, द मेजर आर्ग्यूमेंट नंबर 2, लाइन नंबर 2 लिखूंगा जी मैं. द मेजर फोकस ऑफ दिस पैसेज इज टू एस्टैब्लिश कॉन्सेप्ट ऑफ अल्लाह इन हिमसेल्फ, टू जस्टिफाई अल्लाह एज अ डाइटी. दिस स्पेसिफिक सूरा ऑफ द होली कुरान टॉक्स अबाउट डिफरेंट पोस्टुलेट्स ऑफ रब, ओके, चीफ ऑर्गेनाइजर एंड ओनली वर्थ इनफ टू बी वर्शिप. मैंने इसको जल्दी से कंप्लीट किया. तो मैंने बेसिकली क्या किया, इसके थीम को डिस्कस किया आपने सेकंड लाइन में. तो क्या लिखा जी, ओके, सर्कमस्टांसेस ऑफ रेडिएशन मैंने लिख दिया जी. या मैंने इसका थीम लिख दिया पहले, सर्कमस्टांसेस मैंने आगे जाकर मैंशन कर दिए. आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस. तो मैंने आगे क्या किया, दिस स्पेसिफिक पैसेज इज अ मदनी पार्ट. ये देखिए मैंने अपना आर्ग्यूमेंट नंबर 2 अचीव किया यहाँ पे. तो दिस स्पेसिफिक पैसेज इज अ मदनी पार्ट ऑफ दिस चैप्टर एंड ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्स अल्लाह इन कॉन्सेप्ट ऑफ तौहीद रबिया. थीम बताया, तौहीद सिफात, तौहीद इबादा, दैट अल्लाह इज ओनली टू बी वर्शिप, अल्लाह इज हैविंग द यूनिक पोस्टुलेट्स एंड क्वालिटीज एंड एट्रीब्यूट्स, ठीक है, एज अ डाइटी.
एंड अल्लाह इज़ द ओनली क्रिएटर एंड रब. ठीक है, मैंने तीन थीम्स जो मुझे तौहीद के मैंने पढ़े हुए थे जो मैं अपने अपने आगे आने वाले टॉपिक्स में जब अल्लाह हिमसेल्फ समझाऊंगा आपको तो ये सारी चीज़ें बताऊंगा कि अल्लाह हिमसेल्फ है क्या बेसिकली कुरान में. तो मैंने ये चीज़ आइडेंटिफाई कर ली कि अल्लाह इन हिमसेल्फ पे में से लिया गया है जिस स्पेसिफिक पैसेज में अल्लाह अपने आप के बारे में बनी आदम को इंट्रोड्यूस करवा रहा है कि व्हाट अ रब एक्चुअली इज. आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्लाह जो है वो बेसिकली इस पैसेज में शो हो रही थी. ये पैसेज हम देख भी लेते हैं कौन सा है कि अल्लाह देयर इज नो गॉड बट ही द लिविंग द सबसिस्टिंग. ठीक है, दैट इज लाइक सूरह बकरा चैप्टर नंबर 2, अ वेरी ब्यूटीफुल सूरह ऑफ होली कुरान, अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव सूरह ऑफ होली कुरान एज वेल, वेरी इंफॉर्मेटिव, वेरी नॉलेजेबल लाइक फॉर अ बिलीवर. तो बेसिकली ये वहाँ से लिया गया. मैंने इसको आइडेंटिफाई किया कि ये सारा सूरह बकरा से है और स्पेसिफिकली मदनी फेस से है या मक्की फेस से है. फिर मैंने इसको आइडेंटिफाई किया कि ये वाकई अल्लाह इन हिमसेल्फ के करेक्टर्स को बता रहा है. तो मैंने ये बताया कि अल्लाह इन हिमसेल्फ है क्या बेसिकली. अल्लाह इन हिमसेल्फ ये है कि अल्लाह अपनी आइडेंटिफिकेशन देता है टू अ बिलीवर इन दीज फाइव पैसेजेस. ठीक है, तो अल्लाह इन हिमसेल्फ में मैंने एक इसी से मिलती जुलती रेफरेंस भी कोट की. इन द सेम वे कुरान स्टेट्स इन चैप्टर नंबर 1, लाइक चैप्टर बिगिनिंग द चैप्टर ऑफ द सूरह फातिहा. ठीक है, यू आर द वन वी वर्शिप एंड यू टू होम फ्रॉम वी सीक हेल्प, इयाक नअबुदु व इयाक नस्तईन. तो मैंने सूरह फातिहा को बेसिकली मेंशन किया एज अ सोर्स. अल्लाह इसी बात को एक और चैप्टर में भी बड़े खूबसूरती से हमें बताता है. तो मैंने बेसिकली क्या किया, अपना जो आर्ग्यूमेंट 4 है वो रेफरेंस पे बेस किया. जैसा कि ये देखें ये, ठीक है, रेफरेंस मेंशन डिस्क्रिप्ट मेंशन रेफरेंस फ्रॉम कुरान और हदीस. तो मैंने रेफरेंस कुरान और हदीस से लेके यहाँ पे मेंशन कर दिया अपने आर्ग्यूमेंट में. फिर मैंने क्या किया, अपने एंड पे क्या लिखा, कंक्लूजन दिया एक कंप्लीट करने के लिए अपने आंसर को, एक स्टेटमेंट मेंशन की. दिस पैसेज ऑफ द चैप्टर होल्ड्स की इंपॉर्टेंस एज इट इज फंडामेंटल पार्ट ऑफ योर ईमान. अल्लाह एंड इंट्रोड्यूस दैट अल्लाह एज द सोल सोर्स ऑफ एवरीथिंग we need for in this world and after life as well. मैंने conclusion देके अपना general size को statement को close कर दिया. तो बात ये है जी, आपके 6 arguments होने चाहिए, 6 lines, एक line उसमें से आपने specifically verse के लिए या hadith के लिए आपने allocate कर देनी है. एक ज़रूरी है 2 out of 2 लेने के लिए. ठीक है, उसके बाद जो 4 से 5 arguments रहते हैं उनमें आपने introduction और सूरा भी mention करें, मदनी मक्की face mention करें, और 2 से 3 आर्ग्यूमेंट थीम के ऊपर स्पेसिफिकली लिखे. ठीक है, ए पार्ट मैंने आंसर कर दिया. अब मैं देखता हूँ बी पार्ट में इस स्पेसिफिक सूरा का कैसे आंसर करूंगा. बी पार्ट क्या है जी, ब्रीफली एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज थीम्स इन अ मुस्लिम्स लाइफ टुडे. ओके, मैंने अगर अल्लाह इन हिमसेल्फ या मैंने अल्लाह एज द चेरिशियर एंड सस्टेनर ऑफ द वर्ल्ड अंडरस्टैंड किया है, बीइंग अ मुस्लिम मैं मानता हूँ कि अल्लाह बेसिकली इज बेसिकली द सुप्रीम एंड द ऑर्गेनाइजर ऑफ दिस वर्ल्ड. तो बेसिकली मैं क्या बताऊंगा कि एक मुसलमान के लिए इसके थीम की अहमियत क्या है. ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर बी है एक पार्ट का, एक पैसेज का. तो मैंने क्या किया जी, मैंने इसके लिए भी एक स्पेसिफिक फॉर्मूला यूज होता है. आप क्या करेंगे, आर्ग्यूमेंट नंबर 1 लाइन नंबर 1 लिखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ द पैसेज, जैसे आपने ए पार्ट में लिखा. लाइन नंबर 2 क्या लिखेंगी, लिखेंगे आप राइट इंपॉर्टेंस ऑफ थीम वाइटल पार्ट एज बिलीव ऑफ अ मुस्लिम. आप अल्लाह इन हिमसेल्फ के बारे में लिखेंगे कि अल्लाह इन हिमसेल्फ के बगैर तो आपका ईमान किसी काम का ही नहीं है. तो अल्लाह के ऊपर यकीन होना सबसे ज़रूरी चीज़ है. तो आपने ये चीज़ लिखा कि अल्लाह इन ये जो थीम है इसका वो अल्लाह इन हिमसेल्फ है जो कि फंडामेंटल पार्ट ऑफ योर बिलीफ है. अदरवाइज योर ईमान इज नलिफाइड इफ़ यू डोंट बिलीव दैट अल्लाह इज बेसिकली द सुप्रीम द चेरिशियर द ओमनीसेंट ओमनी प्रेजेंट एंड ओमनी पोटेंट एज वेल. तो आपका जो बिलीव है वो बेसिकली नलिफाइड है. तो मैंने ये लिखा कि ये तो वाइटल पार्ट है जी, दूसरी लाइन. तीसरी मैंने क्या लिखी कि ये बेसिकली अल्लाह का जो रिलेशन है एक इंसान के साथ उसको स्ट्रेंथन करता है, तकवा इंकल्केट करता है, बेटर लाइफ और पायस लाइफ को इंकल्केट करता है, एंड करता है बेसिकली प्रॉपरली विद कंक्लूडिंग रिमार्क्स. मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको आर्ग्यूमेंट 6 में इसको कंक्लूडिंग रिमार्क्स के अंदर जाके इसको मैंने कंप्लीट करने की कोशिश की. बेसिकली मैंने ये मेंशन किया तकवा के जो कॉन्टेक्स्ट में कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तकवा इंकल्केट करता है एक मुसलमान में, उसकी बेटर लाइफ में उसको असिस्ट करता है, पायसनेस की तरफ लेके जाता है एक इंसान को. तो ये सारी चीज़ें मैंने बेसिकली जो इम्पोर्टेंस है स्पेसिफिकली, मैं इसको अगर थोड़ी सी बात में कम्प्लीट करना चाहूँ कि मैंने पार्ट बी जो है इसकी इम्पोर्टेंस के ऊपर जो है वो बेसिकली लिख दिया कि ये अगर मैं एक पैसेज की थीम को अंडरस्टैंड करता हूँ तो एक मुसलमान के लिए उसका तकवा, उसके अंदर बहुत सी पॉजिटिव चीज़ें आ सकती हैं.
और साथ ही मैंने जो आर्ग्यूमेंट नंबर 4 लिखा वो क्या लिखा कि इसके अंदर कुरान का और हदीस का एक आप रेफरेंस दे दें जो इसके रिलेटेड है, कुरान या नबी पाक की कोई सही, तो आपका ये बी पार्ट भी कंप्लीट हो सकता है। ये 6 आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, जैसे पार्ट ए में लिखे आपने, पार्ट बी में भी आपने मेंशन करने होते हैं। अब देखते हैं कि आगे मैंने जैसे पहले क्वेश्चन को आपके लिए आंसर किया, इस क्वेश्चन को भी मैं आंसर करता हूँ जी आपकी असिस्टेंस के लिए। तो बेसिकली बी पार्ट में मैंने क्या किया जी, अल्लाह इन हिमसेल्फ, ठीक है, मैंने सूरह बकरा का वर्स नंबर 255 सेलेक्ट किया उन 3 पैसेजेस में से अपने एग्जाम को आंसर करने के लिए। तो मैंने क्या लिखा, दिस पैसेज ऑफ सूरह बकरा होल्ड्स अ की इंपॉर्टेंस इन फेथ ऑफ अ मुस्लिम एंड टू बी कंसीडर्ड एज अ ट्रू बिलीवर, शेड लाइटिंग अपॉन अल्लाह एज अ डाइटी। अ मुस्लिम कैन नॉट ओनली स्ट्रेंथन हिज बिलीव इन अल्लाह बट ऑल्सो हेल्प अ मुस्लिम टू हैव अ कंफर्टेबल इंटरेक्शन विद लाइफ आफ्टर डेथ एज वेल। ठीक है, मैंने इंपॉर्टेंसेस डिस्कस कर रहा हूँ, मैंने कॉन्टिन्यूसली ये रेड पोर्शन में इसकी इंपॉर्टेंसेस डिस्कस की फॉर मी एज अ मुस्लिम। ठीक है, कि मेरे लिए वो बेसिकली क्यों इंपॉर्टेंट है अल्लाह एंड हिमसेल्फ पे बिलीव करना या इन वर्सेस पे बिलीव करना, क्योंकि मुझे अल्लाह से इंटरेक्शन एस्टेब्लिश कर रहा है ये सब कुछ, मुझे अल्लाह की पहचान हो रही है, मुझे अल्लाह की प्रॉपर्टीज और सिफात के बारे में पता चल रहा है, मेरा अल्लाह पे ईमान मजबूत हो रहा है, मुझे बड़े से फायदे हो रहे हैं इस वर्स से अगर मैं इसको फॉलो करता हूँ बीइंग अ मुस्लिम। तो मैंने वो सारी इंपॉर्टेंसेस इसमें मेंशन कर दी। और फिर मैंने क्या किया, यू कैन सी इन द ब्लैक बेसिकली पार्ट ऑफ दिस आंसर, कि मैंने बेसिकली इस ब्लैक पोर्शन में एक रेफरेंस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोट कर दिया, establishing and realization of Allah is the path to success in this world and hereafter. ठीक है, तो बेसिकली मैंने नबी पाक की सही है कि अल्लाह ताला के ऊपर ईमान एस्टैब्लिश करना या अल्लाह ताला की जो पहचान है वो दुनिया और आखिरत की कामयाबी उससे जुड़ी हुई है ना। तो अल्लाह ताला को जितनी आप अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे, अल्लाह ताला की आपको रियलाइजेशन होगी, अल्लाह ताला का फियर एंड रियलाइजेशन और रिस्पेक्ट एंड अल्लाह का ओबीडियंस, ये सब चीज़ें होंगी, तो आपकी जिंदगी बीइंग अ बिलीवर इस दुनिया में और आखिरत में अच्छी गुजरेगी, जो हमारा ईमान भी है। तो आपने इम्पोर्टेंस के कॉन्टेक्स्ट में इस अल्लाह इन हिमसेल्फ को जिसका थीम मैंने आइडेंटिफाई किया था उसको एक्सप्लेन कर दिया। मैंने फिर क्या किया जी, मेरे आइडियल उसको देखते हैं, मुझे होप लाइक आई एम होपिंग दैट कैम्ब्रिज मुझे इस पर 2 नंबर दे देगा इस रिस्पॉन्स के। तो राइट आर्ग्यूमेंट 1, द पैसेज ऑफ सूरह बकरा होल्ड्स अ की इम्पोर्टेंस इन फेथ ऑफ अ मुस्लिम एंड टू बी कंसिडर एज अ ट्रू बिलीवर। तो मैंने क्या किया जी, इसका ये जो आप फर्स्ट लाइन देखते हैं, ये वाली लाइन देखते हैं, स्पेसिफिकली मैंने इंट्रोड्यूस करवाया दिस पैसेज सूरह बकरा। ठीक है, मैंने इसको मेंशन कर दिया और इसकी इंपॉर्टेंस पे भी थोड़ी सी बात मैंने कर ली। यहाँ पे आर्ग्यूमेंट नंबर 2 लिखा, आर्ग्यूमेंट नंबर 2 में मैंने शेड लाइटिंग अपॉन अल्लाह एज डाइटी, अ मुस्लिम कैन ओनली स्ट्रेंथन हिज बिलीव इन अल्लाह बट ऑल्सो हेल्प्स अ मुस्लिम टू हैव अ कंफर्टेबल इंटरेक्शन। मैंने लाइक उसकी एक्सप्लेनेशन जो मैंने यहाँ पे की हुई है उसको बायफोकेट करके यहाँ पे ट्रेस किया हुआ है कि मैंने किस तरह से इंपॉर्टेंस को हाईलाइट किया। आगे जाके मैंने प्रेफरेंस कर दिया, एस्टैब्लिश रियलाइजेशन ऑफ अल्लाह जो मेरा ब्लैक पोर्शन था वो यहाँ पे आर्गुमेंट नंबर 4 में रेड पोर्शन में मेंशन है, कलर में मेंशन है, कि ये बेसिकली मैंने रेफरेंस भी यूज़ किया इसके अंदर और इंपॉर्टेंस भी लिखी उस थीम की, मेरे लिए बीइंग अ बिलीवर की इंपॉर्टेंस क्या है ना जी। तो ये बात यहाँ पे ख़त्म हो जाती है कि बेसिकली मैं अपनी एक रिविजन आपको बता दूँ इस क्वेश्चन के हवाले से, 2 मिनट का एक रिव्यू कर दूँ इस सारी इंफॉर्मेशन पे। तो मैंने बेसिकली पार्ट 1 को आंसर करने का बेसिकली तरीका सीखा कि हमने पार्ट 1 जो क्वेश्चन नंबर 1 का होता है या क्वेश्चन नंबर 2 का होता है और क्वेश्चन नंबर 1 का होता है, पेपर 2 का भी क्वेश्चन नंबर 1 का होता है, और बेसिकली इसमें 2 पार्ट्स होते हैं हमने की करने होते हैं। मैंने एक सिलेक्ट किया, मैंने उसे सिलेक्ट करके उसका ए और बी पार्ट आंसर किया। ए पार्ट मैंने कैसे आंसर किया, इस फॉर्मूला से 6 आर्ग्यूमेंट लिखे, 6 आर्ग्यूमेंट क्या बेसिकली रिफ्लेक्ट करने चाहिए, इंट्रोडक्शन उस स्पेसिफिक पैसेज का, सर्कमस्टांसिस और उसका मकी मदनी फेस। फिर मैंने क्या किया, आइडेंटिफाई किया उसके थीम को, उसके ऊपर कुछ थोड़ी सी बातें लिखी। इसके बाद मैंने उसके कुरान की रेफरेंस को बेसिकली कोट किया और मैंने अपने क्वेश्चन की एंडिंग स्टेटमेंट लिखी। इसी तरह से मैंने अपने एक आइडियल क्वेश्चन को आपके सामने प्रेजेंट किया। यू कैन हैव दीज डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम माय पर्सनल इंटरेक्शन विद मी, मैं आपको ये स्लाइड भी सकता हूँ, आपको ये सजेस्ट कर सकती हैं फ्यूचर में इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए। उसके बाद आपके पास ये बेसिकली ये एक मॉडल मैंने आंसर उसी को बेसिकली प्लेस किया अपने स्ट्रक्चर में, 6 आर्ग्यूमेंट्स लिखें, 1 रेफरेंस ले लिखें, कुरान के पैसेज को इंट्रोड्यूस करवाएं, उसके सर्कमस्टांस को बताएं, जैसा कि सूरह दुहा, सूरह दुहा एक आपका इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, 15 पैसेज में सूरह दुहा भी है। तो अगर सूरह दुहा मेरे सामने आ जाती है तो एग्जाम में तो मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले तो बताऊँगा
कि ये बेसिकली मदनी है या मक्की सूरा है. दुहा सूरा दुहा बड़ी स्पेसिफिक अल्लाह ताला की देन है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो स्ट्रेस है इसकी रिलीफ के लिए भी सूरा दुहा जो है उसको बेसिकली मौजू फरमाया था. इसकी सरकमस्टांसिस ये हैं कि नबी पाक को उनकी लाइफ के कुछ फेज में कुरान की रिविएशन आना बंद होगी. नबी पाक वरिड थे इस कंडीशन के हवाले से, तो अल्लाह ताला ने जो है वो सूरह तुहा नासिल फरमाई खुशखबरी के तौर पे अल्लाह के नबी को कि बेसिकली मैं किसी भी तरीके से आपसे दूर नहीं हूँ और मेरी वो सारी फेवर्स जो मैंने आप पे प्रीवियस लिखी उनको मद्देनजर रखते हुए मेरी आज भी मोहब्बत और जो नुसरत है वो आपके साथ है. तो बेसिकली सूरह तुहा का एक सरकमस्टांस है जिस तरह से वो पता होना चाहिए आपको, डीपली उनको अंडरस्टैंड करें. मैं वो उसको सरकमस्टांस को लिखूंगा, उसके बाद मैं रेफरेंस में लिखूंगा, उसके बाद मैं दो से तीन लाइनें उसके मेजर थीम पे लिखूंगा. अगर वो पैसेज हैं तो तीन मेजर थीम्स हैं, पांच पांच की डिविजन्स हैं. वो बात आगे मैं जाके एक्सप्लेन करूंगा अपने बेसिकली सेशंस में कि कैसे इसको इन क्वेश्चंस को भी आपने आंसर करना होता है प्रॉपरली, और मैं सारे पैसेजेस आपके सामने वीडियो बाय वीडियो एक्सप्लेन भी करूंगा इनके सरकमस्टांसेस और इनके सारे जो बेसिक की फैक्ट्स हैं इनके सराउंड. तो हमने ये सारी बात की. अब देखते हैं जी P2. P2 बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है. P2 में देखते हैं जी कि हम P2 में बेसिकली किस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 को आंसर करते हैं. तो ये एक P2 का बेसिकली मेरे पास डिमॉन्स्ट्रेशन है जी. P2 मेरे सामने आया और मैंने ये देखा कि इसके अंदर भी मेरे पास 1, 2, 3, 4 चॉइसेस हैं. इन 4 चॉइसेस में से मैंने क्या करना है जी, मैंने दो क्वेश्चन लेने हैं, इनमें से चॉइसेस अपनी सिलेक्ट करनी है और उनके ये दो क्वेश्चन के आंसर करने हैं. तो अब मैं क्या करूँगा, मैं लेट सपोज 1 ठीक है और जो है वो 4th सेलेक्ट कर लेता हूँ लेट सपोज इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए. तो अब मैंने 1 की पहले ए पार्ट मेंशन करना है, फिर बी पार्ट मेंशन करना है, फिर मैंने 4th को रखना है उसका ए पार्ट मेंशन करना है और बी पार्ट मेंशन करना है. तो अब मैं देखता हूँ इसको कैसे लिखते हैं. ठीक है जी, थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम है. ओके, रिजॉल्व हो गई है जी, सॉरी फॉर दैट, इंटरनेट का कोई इशू था. ओके, सो बेसिकली यहाँ पे आप देखेंगे मैंने दो सेलेक्ट किए. आगे चलता हूँ मैं, ये मेरे दो सिलेक्शंस हैं. नन ऑफ यू बिलीव्स अंटिल ही वांट्स फॉर हिज ब्रदर व्हाट ही वांट्स फॉर हिमसेल्फ. नबी पाक की हदीस है इन कुंती में से एक, और ये बेसिकली प्रॉफिट्स टीचिंग जो टूवर्ड्स अदर्स हैं उनको बेसिकली रिफ्लेक्ट करती है. जो 10 से 20 तक के बेसिकली बाइफरकेशन है या इनमें मिक्स भी होती हैं, ये बेसिकली कम्युनिटी के साथ एक मुसलमान के रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करती है ना जी. और दूसरी मैंने ली थी 4th, मे गॉड शो मर्सी टू अ मैन हु इज काइंड व्हेन ही सेल्स, व्हेन ही बायस एंड व्हेन ही डिमांड्स हिज मनी बैक. वेरी इंपॉर्टेंट है हदीस है नबी पाक की, और ये बेसिकली है फ्रॉम योर कम्युनिटी लाइफ के अंदर से है. ये भी टीम 2 में से है, टीम 1 में से नहीं है, एज इंडिविजुअल में से नहीं है. वैसे जो आपका पैसेज 1 है ये जो, ये इंडिविजुअल के अंदर भी आप उसको कंसिडर कर सकते हैं और कम्युनिटी के साथ भी कर सकते हैं, इसमें दोनों रेफरेंस आप ले सकते हैं. तो मैंने इनको सेलेक्ट किया जी, मैंने 2 में हदीस में से 4 हदीस में 2 हदीस सेलेक्ट की आंसर करने के लिए. तो अब देखते हैं जी, अब हमने करना क्या है जी, एक क्वेश्चन को आंसर करना है इस हदीस के. डिस्क्राइब देयर टीचिंग्स अबाउट व्हाट मुस्लिम्स बिलीव. ठीक है, हमने ए पार्ट पहले सबसे आंसर करना है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 P1 में किया. तो मैं क्या बताऊंगा, क्योंकि मुझे उसमें थीम बताना था. ठीक है, इसमें हमने बताना है कि टीचिंग्स अबाउट व्हाट मुस्लिम बिलीव, कि हमारा एज अ मुसलमान कंडक्ट जो है उसका ये जो स्पेसिफिक पोर्शन है ये हमें क्या सिखाता है. ठीक है, बींग अ बिलीवर, हम मुसलमान, हम एक एथिकल कोड को फॉलो करते हैं जिसके अंदर बहुत से पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं. इस्लाम बेसिकली ह्यूमनिस्टिक बेसिकली बिलीफ सिस्टम है जो ओवर इम्फेसाइजेशन देता है ह्यूमन वैल्यूज के ऊपर. तो बेसिकली इस स्पेसिफिक हदीस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बेसिकली रहमतुल आलमीन है, उनकी जिंदगी हमारे लिए स्पेसिफिकली टीचिंग से भरी पड़ी है. ठीक है, फ्रॉम वेरी स्टार्ट टू द एंड लर्निंग ही लर्निंग है नबी पाक की जात से. तो बेसिकली ये हमें स्पेसिफिक सेइंग जो है नबी पाक की वो क्या सिखाती है, सबसे पहले तो मैं ए पार्ट में ये बताने जा रहा हूँ. ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, 6 आर्ग्यूमेंट्स लिखूंगा या 5 आर्ग्यूमेंट्स लिखूंगा डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स. 5 या 6 आप कर सकते हैं, अगर वीक हैं तो 6 लिख लीजिए,
अगर स्ट्रांग है तो 5 भी सफिशिएंट होते हैं, ठीक है। लेकिन फॉर्मेट वही रहेगा, रेफरेंस लिखना है हदीस का थोड़ा सा। जैसे देखें आपने, मैंने क्या किया कि मैंने सबसे पहले इस्लाम का जो कॉन्सेप्ट है ह्यूमनिज्म का, उसको अपने स्टार्ट में पहली लाइन में लिखा कि इस्लाम इज अ चार्टर ऑफ ह्यूमैनिटी, या इस्लाम इज द सेंटर ऑफ ह्यूमन बेसिकली रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी एंड ऑनर एज वेल इन दिस वर्ल्ड। तो बेसिकली मैंने इंट्रोड्यूस करवाया इस्लाम के ह्यूमनिस्टिक परस्पेक्टिव से, लाइन नंबर 1 मैंने ये लिखी। फिर मैंने क्या किया कि टीचिंग क्या है इस हदीस की, तो मैंने क्या पढ़ा, नन ऑफ यू बिलीव अंटिल ही वांट द सेम फॉर अदर्स व्हाट ही वांट्स फॉर हिमसेल्फ। तो बेसिकली क्या है, ये मैंने हदीस पढ़ी तो मुझे समझ आई कि इसकी टीचिंग है, बहुत स्पेसिफिक टीचिंग है जिसको मैं आगे जाकर एक्सप्लेन करता हूँ। आर्ग्यूमेंट नंबर 3 तीसरी लाइन में लिखी कि हदीस और किसी और कुरान के रेफरेंस को आप इसकी कंसोलिडेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे, और एक हदीस और एक कुरान का रेफरेंस जो है इसमें प्लेस करेंगे जो कि एक मिनिमम होना चाहिए। फिर मैंने एक और टीचिंग जो इस हदीस से मुझे सीखने को मिली, मैंने उसके ऊपर लाइन लिखी और बेसिकली टीचिंग को एक्सप्रेस किया कि हदीस से मुझे क्या टीचिंग मिलती है। फिर आपने लाइन नंबर 5 लिखनी है, एंड करना है इस हदीस को, और ये 5 से 6 लाइनें और ये 5 से 6 इंपॉर्टेंट की कंपोनेंट्स का जो मिक्सचर होता है वो 2/2 रेटिंग का आंसर होता है। तो इसको मैं देखता हूँ कि अपने स्टाइल से जो एज अ स्टूडेंट मैं करता तो क्या करता इस क्वेश्चन में। तो मैंने ये पार्ट लिखा, नन ऑफ यू बिलीव्स अंटिल ही वांट्स फॉर हिज ब्रदर्स व्हाट ही वांट्स फॉर हिमसेल्फ। ओके, तो मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, इस्लाम इज अ ह्यूमनिस्टिक चार्टर ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी, नॉट ओनली कुरान कॉम्प्रिहेंसिवली एम्फसाइजेस ऑन ह्यूमन वैल्यूज एंड कंडक्ट बट विद द एंटायर लाइफ ऑफ हिज मैसेंजर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। This faith system establish ethics and morality at high level of thinking. Okay, मैंने सारी बातों को बड़ी खूबसूरती से present किया। अब ये देखें, a Muslim being a believer must not only focus upon rights of Allah, but also should keenly observe the rights of fellow human beings. Okay, मैंने इसका theme लिख दिया। Equality, ये अब मैं theme की दोबारा कुछ और line quote करनी है, 4 line मैंने quote की। Equality, fraternity, tolerance, mutual coexistence, empathy and sympathy is the message of this hadith between Muslims, ठीक है। तो मैंने आगे जाके कुरान की जो है वो बड़ी खूबसूरत जो है वो एक citation mention कर दी कि basically सूरह अल-मोमिनीन जो मुसलमान की सिफात के ऊपर चैप्टर है, चैप्टर नंबर 28 है जो कुरान का, बहुत खूबसूरत चैप्टर है। एक मुसलमान की बेहतरीन मुसलमान की जो सिफात हैं वो अल्लाह ताला ने इसमें mention की हैं। आपके लिए कोड ऑफ एथिक्स हैं इसके अंदर, ज़रूर पढ़िएगा बींग अ स्टूडेंट ऑफ एंड बींग अ फॉलोअर ऑफ इस्लाम। अल्लाह की बेसिकली तरफ से जो रिकमेंडेशन है एक अच्छे ईमान वाले की वो सूरह अल-मोमिनीन में है, चैप्टर नंबर 28 है। इसमें अल्लाह क्या फरमाते हैं, अ ट्रू बिलीवर इज होम हु इज गुड इन डीलिंग विद अदर्स। एक बेहतरीन मुसलमान वो है जो दूसरों के साथ अपने रवैये में बेहतर है। तो हमें क्या नज़र आया कि नन ऑफ यू बिलीव, ये जो हदीस है इसको इंटरलिंक करती है इस थीम को, तो हमने इस रेफरेंस को यूज़ कर। एक नबी पाक की खूबसूरत सेइंग है, बिलीव बिलीवर्स आर पार्ट ऑफ अ सिंगल बॉडी, इफ वन पार्ट इज अफेक्टेड एंटायर बॉडी इज अफेक्टेड। मैंने इसको भी बेसिकली अपने आंसर को लेवल 4 पे लेके जाने के लिए 2 हदीस को करती और अपने आंसर को यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। तो अब अगर देखते हैं उसी पैरामीटर से जो मैंने बेसिकली पहले सेट किए अपने आउटलाइन जो वे है इसका रिकमेंडेड उसको आंसर करने का, तो मैंने उसी तरह से अपनी ये जो सारी इंफॉर्मेशन है इसको प्लेस किया कि इस्लाम इज अ ह्यूमनिस्टिक चार्टर ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी। तो आप ये देख सकते हैं कि जो पहली लाइन है ये इंट्रोड्यूस करवा रही है ह्यूमनिज्म ऑफ इस्लाम को। दूसरी लाइन, बैलेंसिंग द सोशल मैटर्स बाय नॉट हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अमंग ईच अदर, अ मास्टर शुड टेक केयर एंड ऑफर द सेम फूड टू हिज सर्वेंट व्हिच ही ईट्स हिमसेल्फ। तो मैंने क्या किया, इसके थीम को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश की अपने वर्ड्स में। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा कि राइट मेन थीम ऑफ द हदीस टीचिंग्स क्या है, ठीक है, हमें क्या सिखाती है ये स्पेसिफिक हदीस। फिर मैंने क्या किया जी, आर्गुमेंट नंबर 3, अ मुस्लिम कैन प्रैक्टिस दीज टीचिंग्स टू एक्शंस बाय मेंटेनिंग इक्वालिटी एंड ऑल दैट। ओके, मैंने इसको भी मेंशन किया, ये भी थीम है। फिर मैंने एक और हदीस जो है नबी पाक को आगे कोट कर दी, और फोर्थ आर्गुमेंट भी मैंने, फॉर एग्जांपल इन अ लाइफ ऑफ अ मुस्लिम इज गोइंग टू, इफ अ मुस्लिम इज गोइंग टू बाय एनी गिफ्ट फॉर समवन and he selects a different thing for himself, but he is going to select a cheaper thing for other, that is not going to be the equality in Islam. You should have the same sort of affection for others as well. If you are going to be sleeping in mosquitoes, then feel that how a person who is going to sleep in mosquitoes is going to be staying in night.
तो बेसिकली आप दूसरों को अपनी जगह पर रख के देखें और तब फैसले करें अपनी जिंदगी के। ये इस्लाम का एक बुनियादी अकीदा है बींग अ मुस्लिम। तो बात क्या होगी जी यहाँ पे, यहाँ पे मैंने क्या किया कि इसके अंदर ये सारा कोट किया आपने और फॉर्मेट को 5 आर्ग्यूमेंट इस तरह से लिखे तो मेरे हाईएस्ट मार्क्स आ गए। एक मैंने रेफरेंस कुरान या हदीस का मेंशन कर दिया, 3 से 4 लाइनें उसकी एक टीचिंग बता दी कि बेसिकली हदीस मुझे टीच क्या करती है ना जी, कि मेरे अंदर जो बिलीव तब तक नहीं है जब तक मेरे अंदर इक्वालिटी नहीं है फॉर अदर्स, ठीक है, मेरे लिए जस्टिस, सोशल जस्टिस नहीं है, मॉरल जस्टिस नहीं है, इकोनॉमिक जस्टिस नहीं है, बिजनेस एथिक्स में हम जो है वो बेसिकली जस्टिस को एस्टैब्लिश नहीं करते हैं, तो हम अपने लिए और दूसरों के लिए सिलेक्शन क्राइटेरिया डिफरेंट नहीं कर सकते बीइंग अ बिलीवर। मेरे लिए टीचिंग ये है, मैंने ये मेंशन कर दिया अपने वर्ड्स में इस थीम के अंदर। अब देखते हैं जी बेसिकली जो बी पार्ट है इसका, बी पार्ट में इसकी टीचिंग बता दी हमने, पर अगर मैं पहले पार्ट को बताऊंगा तो पहले पार्ट के अंदर अगर आप देखें कि हमने बेसिकली बताना होता है टीचिंग बतानी होती है, और दूसरे पार्ट के अंदर जो बी पार्ट है इसका बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है जी, एनालिटिकल होता है। इसके अंदर हमने क्या बताना है, एक्सप्लेन हाउ मुस्लिम्स कैन पुट दीज टीचिंग्स इनटू एक्शन। अच्छा, इसके प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन जो है वो मैंने बतानी है इसके बी पार्ट में। तो मैंने ये नन ऑफ यू बिलीव सेलेक्ट की है, मे गॉड शो मर्सी सेलेक्ट की है, इसका मर्सी शो करना है। अगर लाइक अगर आई एम गोइंग टू बी हैविंग सम जैसे कहते हैं ना जी वो डेब्ट्स, तो मुझे एक्सपेक्ट करना चाहिए कि मेरे जिसके मैंने कर्ज देना है वो मुझसे रूडली और यहाँ पे या अग्रेसिवली बिहेव नहीं करेगा और मुझसे तमीज के दायरे में रहते हुए मेरे से कर्ज वापस मांगेगा। तो मर्सीफुल एटीट्यूड या रहम का जो है वो गरीबों की तरफ होना या बेसिकली अपने से हकीर लोगों की तरफ एक मददगार हाथ बढ़ाना, ये हमारा बेसिकली इस्लाम का और मुसलमान का एक सेवा समझा जाते हैं हदीस के कॉन्टेक्स्ट में। तो हमने बेसिकली क्या करना है जी, हमने किसी का भी बताना है कि हम इस टीचिंग को या इस हमने जो बात समझी जो टीचिंग के हमें इस हदीस ये कहती है कि जी मुझे बेसिकली सिलेक्शन क्राइटेरिया एक होना चाहिए मेरी जिंदगी में, ड्यूल नहीं होने चाहिए, अपनी और दूसरे की चॉइस में डिफरेंस नहीं करना चाहिए क्योंकि इक्वालिटी है इस्लाम में, ठीक है, सोशल जस्टिस भी है। उसके बाद क्या है जी, मैंने अब इस क्वेश्चन को आंसर करना है, इसमें मैं इसको कैसे प्रैक्टिस कर सकता हूँ एक बीइंग अ बिलीवर। तो मैंने क्या लिखा, दिस हदीस इज अ ग्रेट मॉरल एंड सोशल वैल्यू बिकॉज इट टीचेस अस अबाउट लाइफ एज अ कम्युनिटी मैनर, बाय अडॉप्टिंग टीचिंग्स ऑफ दिस हदीस वी कैन नॉट रिफॉर्म सोसाइटी एज अ होल। देखा मैंने इसकी क्या लिखा हूँ यहाँ पे कि मैं इसकी प्रैक्टिस कैसे कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि मैं इसकी प्रैक्टिस ऐसे कर सकता हूँ कि अगर मेरे घर में मुलाजिम है तो मैं उस मुलाजिम को अपने घर में रखता हूँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए मेरा बिहेवियर कि मैं खुद खाना अच्छा खाऊं और उसको जो है वो अकीर खाना दूं, गंदा खाना दूं या पुराना खाना दूं। तो मैं इस एग्जांपल को इसकी टीचिंग को इम्प्लीमेंटेशन के वे में लिख दूंगा। इसी तरह से आप किस तरह से सोशल इक्वालिटी इस्टेब्लिश कर सकते हैं मैं वो भी लिख दूंगा इसके अंदर। तो बेसिकली आपने क्या करना है, इस हदीस के थ्रू आपने इसकी जो प्रैक्टिकलिटी है उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट करने हैं। मैंने इसको आर्ग्यूमेंट के थ्रू बता दिया कि इस तरह से आपने प्रैक्टिकलिटी के अंदर ये देखे, मैंने एक और एग्जांपल ब्लू में कोट की हुई है कि आप अगर किसी के लिए गिफ्ट ले रहे हैं तो उसमें ये नहीं कि उसके लिए सस्ती चीज़ और अपने लिए बेहतरीन चीज़, आप थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल चीज़ बाय कर लें उसके लिए, लेकिन ये नहीं आपके माइंड में होना चाहिए कि ये मैंने किसी और को देनी है तो मैं इसमें डिस्क्रिमिनेट कर सकता हूँ, ठीक है, करना चाहिए मुझे, तो ये चीज़ आप में नहीं होनी चाहिए। मैंने ये टीचिंग इस तरह से अपनी जो बातें हैं वो बेसिकली लिख दी। इसको भी मैंने ये लिखा, इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, इसको आंसर कैसे किया जाता है और कैसे आपको प्रॉपरली फॉर्मेट के थ्रू इसको आंसर करना है। इसमें आप बताएंगे जी आर्ग्यूमेंट वन इंट्रोड्यूस विद द कॉन्सेप्ट ऑफ फेमिनिज्म, जैसे इसका आपके पार्ट ए में बताया, राइट, मेन थीम ऑफ द हदीस, ठीक है, सपोर्ट विद सोशल एंड मॉरल एग्जांपल्स, यस ये बात मैंने आपको समझाने के लिए इसके बाद की कि सोशल और मॉरल एग्जांपल्स से सपोर्ट करना पड़ेगा आपको इस क्वेश्चन को कि हम इस टीचिंग को प्रैक्टिसाइज कैसे कर सकते हैं बीइंग अ बिलीवर और कैसे करना चाहिए, ठीक है। तो आपने ये मेंशन कर दिया, मैंने आगे सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो बेसिकली बात क्या है जी, आपने बैकग्राउंड फेज एंड रिवेलेशन एंड थीम जो है वो बेसिकली मेंशन करना है पी वन में, और टीचिंग्स और जो उससे बेसिकली हमें बेसिकली प्रैक्टिस करने के लिए जो चीज़ें मिलती हैं, प्रैक्टिसाइज करने के लिए चीज़ें मिलती हैं इस्लाम में बींग अंडर दिस कॉन्सेप्ट ऑफ द रसूल, तो हमने वो क्या चीज़ें कैसे कर सकते हैं, हमने प्रैक्टिकलिटी जो है उसकी मेंशन करनी होती है इसके पार्ट टू में। तो बात ये है कि आपने रेफरेंस मस्ट कोट करने हैं, लेवल ऑफ रिस्पांस यहाँ पे भी अप्लाई होता है, ठीक है, तो लेवल ऑफ रिस्पांस 4 पे मैंने अपने आंसर करके दिखाए, ओके। उसके बाद आपने यूज वन फुल लेंथ पैराग्राफ टू राइट आंसर इन बोथ पार्ट्स, आपने यस फॉलो 5 स्टेप्स जो मैंने बताया इस तरह से लिखे अपने आंसर को। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी एलिमेंट है हर क्वेश्चन के अंदर, बहुत जरूरी और हॉन्टिंग एलिमेंट है इसके अंदर, 10 मिनट मैक्सिमम होते हैं एलोकेटेड, 30 मिनट में आपने एक क्वेश्चन करना होता है, तो इसके अंदर जो है वो बाकी के क्वेश्चंस को माइंड में रखते हुए 10 मिनट जो है वो मैक्सिमम आप दें,
ठीक है, इसके बाद इसकी 50 में से 8 नंबर की इंपॉर्टेंस है, बहुत लो रिस्क ऑफ डिक्शन होते हैं लेकिन इजीएस्ट हंटिंग है इस्लामिया 2058 में P1 और P2 की, ये 8 नंबर्स बड़ी इजीली जो है वो आपके आ सकते हैं अगर आप इस क्वेश्चन को प्रॉपरली आंसर करें तो। इसके अलावा कुरान और हदीस की जो सरकमस्टांसिस हैं ये सीखें, इंटरेस्ट लेके पढ़ें, आपके जो कंपोनेंट लिस्ट हैं उनमें ये मेंशन है, आप रेफरेंस के तौर पे उनको यूज़ करें बजाय नोट्स और बुक्स के। लेवल ऑफ रिस्पांस जो है दैट मस्ट बी मेट एट एवरी स्टेज, ये तो आपको मैंने अपने फॉर्मूला ऑफ सक्सेस में ही बता दिया था अपने इनिशियल वीडियोज़ में। तो बेसिकली बात ये है जी कि वर्क ऑन फैक्चुअल रिकॉल, टाइम मैनेजमेंट, लव इस्लाम, लर्न इस्लाम, फॉलो इस्लाम, प्रे अल्लाह फॉर सक्सेस एंड टेक इंटरेस्ट इन हाउस होल्ड डिस्कशंस। हदीस के बारे में अपने जो सोसाइटी है, जो अपनी सराउंडिंग्स हैं उसको कोट करें, उसको ऑब्जर्व करें और अपने जो माशरे की इलनेस जो आप देखते हैं ऑब्जर्व करते हैं उसके ऊपर आप प्रैक्टिसाइजेस जो है उसकी प्रैक्टिसाइजेशन वाला पोर्शन जो है स्पेसिफिकली उसको आप आंसर करें। तो जो पैसेजेस हैं बहुत ईजी पैसेजेस हैं, 15 पैसेजेस हैं, अल्लाह इन हिमसेल्फ, अल्लाह रिलेशन विद प्रॉफिट्स, अल्लाह रिलेशन विद क्रिएटेड वर्ल्ड, इसके अंदर आपने जो सूरज हैं लाइक सूरह कौसर है, लेट्स सपोज सूरह कौसर की बहुत ज़बरदस्त एवोल्यूशन जो है वो एवोल्यूशन की स्टोरी है कि नबी पाक के जो डिसेंडेंट्स थे उनकी बेसिकली कॉन्टीन्यूस डेथ के बाद अल्लाह ने नबी पाक को सपोर्ट शो करने के लिए सूरह कौसर को नाजिल फरमाया और ये नवीद भी थी कि जो तुम्हारे सामने दुश्मन है वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा क्योंकि अल्लाह ताला ने तुम्हें ऐसे रुतबे से नवाजा है जो कि इन सब से अशरफ और इन सब से बेहतर है। तो बेसिकली आप इन तरह की स्टोरीज जो इस्लामिक हैं, मैं इंशाल्लाह ताला अपने फ्यूचर वीडियोस में जो है वो इस तरह के वाकयात और जब मैं लेक्चर्स अपने डिलीवर करूँगा इन टॉपिक्स पे तो ये सारी चीज़ें आपको साथ साथ मैंशन करता रहूँगा। तो आप अगर कोई क्वेरी है, कोई कमेंट है, कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में आपको लेट सपोज आती है, क्रॉस रेफरेंसिंग है, मैं कंपटीशन तो नहीं करता या कंपटीशन करने आया तो नहीं इस प्लेटफॉर्म पे, लेकिन अगर मेरे जो कोलीग्स हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, वो अगर अपनी अप्रोच को जो टीचर्स हैं स्पेसिफिकली इस सब्जेक्ट के अगर मेरे बताए हुए चीज़ों में उनको कुछ अपनी क्वेश्चनिंग है तो वो प्लेस कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। इंशाल्लाह ताला मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ कि जो चीज़ मैं मेंशन कर रहा हूँ ये मेरे जो है वो खुद के प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन के से गुजरे हुए वेज हैं पाकिस्तान स्टडीज और इस्लामियात में सक्सेस के लिए। तो आप इनको फॉलो करते रहिएगा, अगर कोई इशू है, कोई एम्बिग्विटी है तो आप मुझे जो है वो प्रोवाइडेड कम्युनिकेशनल मेथड्स हैं उनसे किसी भी स्पेसिफिक टाइम पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। Thank you for watching and keep learning and keep following. Thank you very much for your time. Allah Hafiz.